वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन्फोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज मैं आपको बताने वाला हूं इनडायरेक्ट फार्मूला का एक बेहतरीन यूज। आप देखेंगे हमने यहां पर तीन कंपनीज के आइटम लिए हुए हैं, जिसमें अगर हम बात करें सैमसंग की तो सैमसंग के जो आइटम्स हैं वो टीवी, फ्रिज और एसी है, जिनके अलग अलग प्राइस लिस्ट हैं। उसी तरीके से अगर हम गोदरेज की बात करें तो यहां पर इसके जो आइटम्स हैं वो एलईडी वॉशिंग मशीन और इंडोर है, इनके भी अलग अलग प्राइस लिस्ट हैं। और अगर हम LG की बात करें तो यहाँ पर भी जो इसके आइटम है वो कूलर, प्रेस और मिक्सर है, जिसके अलग अलग प्राइस लिस्ट आपके सामने शो हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी आइटम का नाम डालूँ उसका प्राइस इन तीनों शीट में से अपने आप सर्च हो करके हमारे सामने शो हो जाए, और यहाँ पर जिस भी कंपनी का नाम यहाँ पर लिखूँ उसी कंपनी का आइटम मेरे पास शो होना चाहिए। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको इसको करके। जैसे मैं यहाँ पर सैमसंग की जगह अगर LG टाइप करता हूँ तो LG लिखने के बाद यहाँ पर LG में टीवी अगर ढूंढेंगे तो टीवी नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए बता रहा है नॉट फाउंड। अगर हम टीवी की जगह पर यहाँ पर लिख देते हैं कूलर और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कूलर का जो प्राइस लिस्ट है वो 12,500 है। यहाँ पर आप देखेंगे 12,500 आ गया। इसी तरीके से अगर आप गोदरेज यहाँ पर लिखेंगे या आप यहाँ पर सैमसंग लिखेंगे और जो भी आइटम्स यहाँ पर आप टाइप करेंगे उसका प्राइस यहाँ पर शो अप हो जाएगा। तीन की जगह पर आप यहाँ पर अनलिमिटेड आइटम्स ले सकते हैं, अनलिमिटेड कंपनीज के नेम ले सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ आइटम्स की रेंज सेलेक्ट करनी है और उनके प्राइस लिस्ट की रेंज सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर इसको एक क्राइटेरिया नेम दे देना है। जैसे जिस जो भी कंपनी का नाम हो आप यहाँ पर उसका नाम टाइप कर सकते हैं या फिर आप अगर कुछ और लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सैमसंग। जैसे मैं इसे सैमसंग लिखता हूँ आप देखेंगे अगर मैं इस आइटम प्राइस को और आइटम नेम को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर इसका नाम शो हो जाएगा। उसी तरीके से गोदरेज का भी हम क्या करेंगे, आइटम नेम और उसके आइटम्स प्राइस की लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और यहां पर इसको नाम दे देते हैं गोदरेज। और एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से आप इसको भी सिलेक्ट करके यहां पर भी नाम दे दीजिए एलजी और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको यहां पर आना है प्राइस पे और आपको इज इक्वल टू यूज करना है, वी लुकअप का यूज करना है। लुकअप करे किसको, लुकअप करे इस आइटम नेम को, लुकअप करे कॉमा किससे लुकअप करे। तो यहां पर हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज करने के बाद हम यहां पर लेंगे गोदरेज की रेंज। यहां पर हम रेंज गोदरेज की इस वजह से लेंगे कि यहां पर जो भी कंपनी का नाम आएगा उसी कंपनी के आइटम को सर्च करे और उसके प्राइस को यहां पर शो कर दे। ब्रैकेट को आप यहां पर कर दीजिए बंद, कॉमा यूज करिए। कॉमा यूज करने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर टू। टू किस लिए लिखना है, क्योंकि पहले नंबर पे तो हमारे आइटम्स के नेम है जो कि हम खुद से यहाँ पे टाइप करेंगे, दूसरे नंबर पे प्राइस लिस्ट है और हमें चाहिए उसका प्राइस, तो यहाँ पर इसलिए प्राइस हमारे सामने शो हो जाए। इसके बाद कॉमा जीरो यूज करेंगे एग्जैक्ट मैच कराने के लिए। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने हैश एनए का यानी नॉट एप्लीकेबल का एरर मैसेज आ गया। और यहाँ पर अब पहले हम ट्राई कर लेते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो गोदरेज में से हम कोई आइटम उठा लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे एलईडी। जैसे हम यहाँ पर एलईडी लिखेंगे तो एलईडी का देखिए प्राइस यहाँ पर शो हो गया, यानी कि फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है। अब गोदरेज की जगह पर अगर आप एलजी लिखते हैं या सैमसंग लिखते हैं तो यहाँ पर उसी का आइटम आपको डालना होगा और उसी का प्राइस यहाँ पर शो होगा। तो चलिए एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं सैमसंग। सैमसंग के अंदर एलडी है ही नहीं, इस वजह से यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ गया। यहाँ पर अगर हम टीवी लिख के देखते हैं तो टीवी लिखते ही इसका प्राइस यहाँ पर शो हो गया। अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला और ऐड करना है, डबल क्लिक करिए इसके ऊपर। यहाँ पर जाइए इज इक्वल टू के बाद यहाँ पर आप यूज़ करिए इफ एरर। इफ एरर यूज करने के बाद आप लास्ट में चले जाइए, कॉमा यूज करिए, इन्वर्टेड यूज करिए और यहाँ पर लिख दीजिए आप नॉट फाउंड। इसका मतलब ये कि अगर आप कोई गलत वैल्यू डालते हैं या गलत आइटम डालते हैं तो यहाँ पर वो आपके सामने मैसेज शो करे नॉट फाउंड का। जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ जीरो डाल करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए बता रहा है नॉट फाउंड, क्योंकि जीरो नाम का कोई भी आइटम यहाँ पर हमारे इस टेबल के अंदर है ही नहीं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।